अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी, अभी मैं जा रही हूँ अपने देवर की तरफ, ईद की दावत थी। बस ऐसे हम लोग जा रहे हैं, कोई स्पेशल नहीं, बस ऐसे रैंडमली जैसे होता है। तो काफ़ी देर हो गई थी गए हुए, उनको भी काफ़ी देर हो गई आए हुए। अब अगले व्लॉग में आप वो भी देखेंगे, वो मेरी तरफ आए थे, बस कुछ वॉइस ओवर रह गए हुए थे। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लाइट चली गई है, तो मैंने एसी तो चल नहीं सकता, तो फिर मैंने पंखा बंद किया है, क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए बहुत शोर होता है पंखे का। मुझे ऐसा लगता है अपनी आवाज़ कम आ रही होती है और पंखे की ज़्यादा आ रही होती है। अच्छा जी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बस हम निकल पड़े हैं, तो बस मैं आपको जाकर उधर ही मिलूँगी। और क्या दिखाना, यही हर दफ़ा ऐसे ही रोड्स होती हैं, तो बस कुछ सीन्स होते हैं जो अच्छे होते हैं वो मैं कैप्चर भी कर लेती हूँ। और बस अभी हम आ गए, इन लोगों का ना तो दीन मान ही नहीं है। और जी, यहाँ पे लेडीज का फेवरेट टॉपिक मेड्स का, छुट्टियाँ बहुत करती हैं, उस पर बस हम लोग बात कर रहे थे। तो अभी अभी लोबे चना चाट खा रहे हैं, फ्रूट चाट खाएंगे साथ पास्ता। और फिर हस्बैंड चले गए थे अपने फ्रेंड की तरफ, तो मैं उनकी तरफ ही थी। काफ़ी देर से, रात को काफ़ी लेट गए थे। फिर हम लोग बस बैठे हुए, ये जो बच्चों के साथ बच्चे खा रहे थे, तो बच्चों के साथ भी बड़ों का भी ज़्यादा, मुझे लगता है बच्चे कम खाते हैं और बड़े ज़्यादा खाते हैं। तो अभी जी बर्गर, मेरी जो छोटी देवरानी है सिद्रा, वो बर्गर बना के लिए, समोसे ये सैब्रोसो के थे और बहुत मज़े के थे। आई थिंक आलू के थे या चिकन के, ये नहीं मुझे पता। तो ये जी, ये इलायची की जो छाली है, बहुत मज़े की है। अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होता इतना ज़्यादा खाएं, तो फिर उसके बाद ये खा लें तो आपको डाइजेस्ट भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने समोसे और वो लिया था बर्गर, बहुत मज़ा आया था। तो अभी बस बच्चों के साथ हम लोग लगे हुए थे मस्ती कर। दोबारा से मुझे नहीं पता चला, दोबारा से काउंटिंग करो। मोहित 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 उसको करने दो, मोहित उसको करने दो, शायद दोबारा। अब चिप्स फटने, अब ये चिप्स फटने हैं इधर। जिन बाबा, जिन बाबा, हाँ क्यों क्यों सारे फट जाने हैं अभी। बोल जिन्ना आ गया उसके अंदर। और बस हस्बैंड आ गए थे, तो अभी ये स्वीट डिश में खाने लगी हूँ। और ये मैंगो स्वीट डिश थी इस दफ़ा, वैसे मैंने अभी एक दफ़ा भी नहीं बनाई मैंगो डिलाइट, बिल्कुल बनाई नहीं मैंने। तो ये आलमोस्ट वैसी ही थी, मुझे नहीं पता अब उसकी क्या, इसने कैसे बनाई थी, लेकिन आलमोस्ट वैसी ही थी। बस इसने थोड़ा सा जेली डाल दी थी और ओरियो बिस्किट थे, बस सारी की अपनी रेसिपी होती है। तो बस जी, वहाँ से फिर मैं घर वापस आई हूँ मैं, और थोड़े बाद मुझे दोबारा कॉल आ गई कि बाहर जाना है, मिलो उनकी तरफ से, भाई की तरफ से। तो बस अभी हम लोग आए थे, तो अभी हम लोग आए अंग्रेज। तो बस इधर से मैंने तो कुछ स्पेशल ऑर्डर नहीं था किया, मुझे बहुत फोर्स करते रहे थे, लेकिन मैं इतनी फुल थी। मैं सिर्फ एक फैमिली टाइम होता है, मुझे दिल नहीं करता मैं मिस करूं। बाकी मैंने स्पेशल कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, कोई किसी ने सूप पिया, वैसे गर्मी में भी सूप का मज़ा आता है। तो बस मैंने हर एक के साथ ना, जैसे निधा ने स्टेक ऑर्डर की थी, तो हर एक के साथ मैंने एक एक स्पून, दो दो स्पून ना टेस्ट कर लिया था। सारे मज़े भी ले लिए थे और फुल भी होगी हुई थी। फुल मैं बताया ना, खाने को बिल्कुल दिल नहीं था कि भी स्पेशल मैं कुछ मंगवाऊँ। तो ये पास्ता बहुत मज़े का था। तो ग्रेस की बहुत अच्छी, इनकी हाइट ही बहुत अच्छी थी। अब मुझे लास्ट में गई हूँ ईयर, लास्ट ईयर हाँ समर में, तो तब बंद कर दी हुई थी इन्होंने। अब मुझे नहीं पता शायद दोबारा शुरू कर दी हो। बाकी ओवरऑल इनका खाना जो है बहुत अच्छा होता है। तो अभी ये स्टेक तो बहुत मज़े की थी, बहुत ज़्यादा बारबेक्यू का, इसमें जो उन्होंने आई थिंक स्मोक का किया हुआ था वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी बस बैठ के इधर सब खा रहे हैं और चिट चैट चल रही है, बच्चे अपनी बातों में हैं और कोई वीडियो बना रहा है। बस आपको पता है आजकल खाने से पहले सबसे पहले तो उसकी वीडियो बनाई जाती है। तो अभी बस हम लोग बाहर निकल रहे थे और चाँद बहुत खूबसूरत था। और ये जी मेरे ईद के दिनों के ब्लॉग्स हैं, तो बस मैं वॉइस ओवर नहीं थी कर सकती। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो घर की तरफ हम जा रहे हैं। तो आइसक्रीम का दिल था, लेकिन बहुत ट्रैफिक थी कैंट साइड पे, यानी कि अगर ये था कि अगर उधर जाते तो वो बस घंटा डेढ़ कहीं भी नहीं था। तो फिर सोचा सोसाइटी में चमन आइसक्रीम है, हम वही ट्राई कर लेते हैं।
हम सब कुछ मीठा तो खाना था ना। अच्छा उधर खाना हम भूल गए हैं, बाहर निकले फिर आया कभी मीठा तो खाया कुछ नहीं। तो फिर गर्मी भी थी और आइसक्रीम गर्मी में, बच्चे तो वैसे ही आपको पता क्रेजी हैं, और मनाल नमक की तो बहुत फेवरेट आइसक्रीम। तो अब जी ये नेक्स्ट डे है, ये तीनों ब्लॉग में मैं कहीं ना कहीं गई हूँ, तीनों जो क्लिप हैं इसमें मैं कहीं ना कहीं गई हूँ। और आज मैं आई हूँ अपनी मिरहा से मिलने, माशाल्लाह जो मेरी भतीजी पैदा हुई थी, और ये है इब्राहिम माशाल्लाह, इसकी भी अब नेक्स्ट मंथ बर्थडे आ रही है जी, अगले महीने काफ़ी बर्थडेज आए हमारी फैमिली में। तो अभी बस जी मिरहा से हम लोग माशाल्लाह मिले हैं, और अभी बस हम लोग इधर ने इधर ये जो उन्होंने काफ़ी इहतमाम किया हुआ था, मेरी भाभी अपनी अम्मी की तरफ हैं, तो बहुत मज़ा आया था, सब कुछ बहुत मज़े का था। बस मैं ज़्यादा क्लिप नहीं कर सकी थी क्योंकि बच्चों के साथ ये था कि बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड किया जाए। और ये नेक्स्ट डे है, मौसम बहुत अच्छा हो गया था नेक्स्ट डे है, और मौसम ऐसा ही है, बारिश भी है तो थोड़ी बाद इतनी गर्मी हो जाएगी, हब्स का मौसम है आपको पता है, दो माह ऐसे ही होते हैं। अच्छा जी ये फ्लावर्स डे के टाइम ये ऐसे होते हैं और बहुत अच्छे खिल जाते हैं, और ये जो पर्पल है साइड पे इसका भी ऐसा है, ये तो सुबह का टाइम आपको उसके फूल नज़र आएंगे वैसे नहीं, तो जूं जूं शाम होती है तो ये फ्लावर जैसे बंद नहीं हो जाते वैसा। और सीन देखें माशाल्लाह, क्या बादल आए थे, बहुत खूबसूरत व्यू था। तो मुझे तो वैसे भी ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और बेशक व्लॉगिंग करनी है नहीं करनी, उस मुझे ये सीन्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो मेरा दिल करता है मैं साथ ही वीडियो बनाना शुरू हो जाती हूँ। तो अभी बस मैं ये बाहर आई हूँ, थोड़ी देर हवा अच्छी चल रही थी, अगर हवा अच्छी चल ना रही हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता बिल्कुल भी। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी तो अब बारिश रुक गई है, तो अब हम लोग जा रहे हैं ज़रा फ्रूट्स वगैरह थे ख़त्म हुए हुए थे वो लेने थे, और साथ लेकिन जिधर से फ्रूट लेते हैं वो नहीं था, तो किसी और जगह से लिया था, तो इतना अच्छे मैंगोज इतने अच्छे नहीं थे लगे मुझे, पर हाँ ले लिया था, लेना तो ज़रूरी था, घर में फ्रूट ख़त्म हुआ हुआ था, और मैं फ्रूट के बगैर मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मैक्सिमम एक से दो दिन फ्रूट्स ना मिले तो मुझे अजीब सी ऐसे होता है ना, जैसे कमी है, जैसे घर में कुछ भी नहीं है फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट किसी भी किस्म का। तो अभी मुझे कुछ पॉट्स चाहिए थे, तो पॉट्स के साथ फिर हमने प्लांट्स भी ले लिए, लेकिन बारिश होने की वजह से बिल्कुल गीला था, तो मैं अंदर तो हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल नहीं था आने दिया, अगर तुम बिल्कुल ना आओ क्योंकि स्लिप भी कर रहा था, तो मैं बस ऐसे फ्रंट पे खड़ी थी, हमारे बिल्कुल सोसाइटी के बाहर ही नर्सरी है, इनके रेट्स अच्छे हैं और कर भी लेते हैं बार्गेनिंग कर भी लेते हैं, तो वह इधर से ले लिए थे, और काफ़ी शोर था इधर, तो फिर ये देखिए कितने खूबसूरत है। वैसे मुझे पर्सनली खुद नहीं पसंद इस तरह की चीज़ें घर में रखना, लेकिन अट्रैक्ट कर रही थी, हर एक की अपनी चॉइस होती है। और जी जो मुझे पार्ट्स चाहिए थे ना वो मुझे मिल गए थे, मुझे बिल्कुल चाहिए थे, कोई किसी कट वर्क ना हुआ हो, तो बस ये लेकर अब हम घर जा रहे हैं।